जिसको स्मॉल डैश भी कहते हैं, तो हाइफन कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं, जिसमें हाइफन होता है उनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स या हाइफनेटेड वर्ड्स। जैसे हमारे सारे रिलेशनशिप कंपाउंड वर्ड्स हैं, फादर इन लॉ, स्टेप मदर, फॉस्टर ब्रदर, कोऑपरेशन, दीज आर द हाइफनेटेड वर्ड्स, तो इनको कंपाउंड वर्ड या हाइफनेटेड वर्ड्स कहते हैं। एक और कॉन्टेक्स्ट है जहां पे हमें सिखाया जाता है कि हाइफन लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्पेसिंग। और ज्यादातर हमारी मिस्टेक भी इस वजह से होती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके सिलेबल को ब्रेक करना होता है। जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूं ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल, ब्यू इज अ वन सिलेबल एक साउंड, पिट इज अ साउंड, फुल इज अ साउंड, इसका ब्रेकअप जो होगा यहीं से होगा, इसको फर्दर साउंड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे कहते हैं एटम कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट अप, सो दी साउंड कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट अप, तो इसको स्प्लिट अप करते हुए अगर गौर करें तो ब्यूटीफुल वर्ड को या तो मैं कह रहा हूं ब्यूटीफुल, और इसलिए शॉर्ट स्पेसिंग में क्या करूंगा, या तो होगा ब्यूटी और फुल जो है उसके साथ कर रहा हूं, मैं इसको ये नहीं कर सकता कि फर्दर ब्रेकअप करूं। सो इस सिलेबल को इधर आपको फेमिलियर होना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करें और चीजों को जस्टिफाई करके पूरे का पूरा वर्ड जो है वो लिखने की कोशिश करें।